खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी। आयुर्वेद ने हमें बहुत सारे ऐसे प्रयोग दिए हैं कि जो कि हमारी रसोई में ही उपलब्ध होते हैं और हम उनके प्रयोग से अपने आप को स्वस्थ रखने में, स्वच्छ रखने में और कीटाणुओं से अपनी सुरक्षा करने में बहुत मदद पा लेते हैं। लेकिन आज जो रेडीमेड चीज़ें हम लोगों को लेने की आदत पड़ गई, तो हमें वो किन चीज़ों से बनती हैं और वो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है, हम उसका उपयोग कर पाएँ, ये भी हम भूल जाते हैं। ख़ासतौर से शरीर शोधन के लिए और हमारे जो आंतरिक स्राव हैं उनके संतुलन को बनाए रखने के लिए, पाचन को अच्छा बनाए रखने के लिए, कोई वायरस हमारे अंदर संक्रमित ना हो या पनपने ना पाए, उसके लिए छोटे छोटे प्रयोग आयुर्वेद में होते रहे। आज जब हम इस तलाश में हैं कि कोरोना वायरस के लिए कोई वैक्सीन तलाशी जाए, तो उस समय तरह तरह के उपाय हम लोग ले रहे हैं। लेकिन ये मेरा विश्वास है कि जो परंपरागत हमारे उपाय हैं, जो हमारे बुज़ुर्गों ने, ऋषियों ने, पुराने वैद्यों ने, हमारी दादी माँ ने हमारे लिए सुरक्षित किए थे, वो हमारा हित सोच करके सुरक्षित किए थे, वो हमें नुकसान कभी नहीं देंगे। इनमें एक आपने शायद नाम भी ना सुना हो, अब नई पीढ़ी ने, तो हलकवा एक शब्द होता था, और हलकवा करने से हमारी आँखों की रोशनी, हमारे जो आँख, नाक, कान, मुंह, इनकी शुद्धि, हमारे जो टॉन्सिल्स में बढ़ने वाला इन्फेक्शन उससे हमारी रक्षा, और थायराइड जैसी बीमारी से भी हमारी रक्षा बनी रहती थी। इन बीमारियों का नाम पहले कम सुनने को मिलता था। नज़ला जुकाम नहीं हो पाता था क्योंकि उसमें प्रयोग होते थे ऐसे तत्व जो बैक्टीरियाज़ को नष्ट करने वाले होते हैं, जो हमारे जो एनिमी बैक्टीरियाज़ हैं उनको पनपने नहीं देते, तो उसमें हल्दी, नमक और सरसों का तेल। कहते हैं कि भाई चुटकी भर हल्दी ले लो, चुटकी भर नमक ले लो और उसमें दो तीन बूंद सरसों का तेल ले लो अपनी हथेली में, उसी से तो मंजन करिए, दांतों पे उसको लगा लीजिएगा, उसको थोड़ी देर लगा रहने दीजिएगा, उससे आपकी लार इकट्ठी हो जाएगी, उसी से आप गरारा कर लीजिएगा, लार जो मुंह में इकट्ठी हो गई उसको मुंह पर उठा करके हा ऐसे करके सारे आपके थ्रोट तक उसको हल्दी, नमक, तेल शोधन करेंगे, और उसके बाद उसको आप थूक देंगे और फिर अपनी इन तीन उंगलियों को अपने मुख में ले जा करके आप हलकवा करते हैं, नीचे ऊपर पहले टक को टच करते हैं, तो उससे जो डिपॉजिट्स हैं, चाहे वो हमारे स्नोफिल्स के अंदर डिपॉजिट हैं, चाहे हमारे थ्रोट के अंदर डिपॉजिट्स हैं, गले में हैं या स्नोफिल्स में हैं, वो सारे के सारे डिस्चार्ज हो जाते हैं, निकल जाते हैं। एकदम ताजगी आप महसूस करते हैं, जो रात भर पड़े रहने से बासीपन आपके मुंह में आ जाता है और आपको लगता है कि अच्छा अच्छा नहीं लग रहा है, वो भी आपको अच्छा लगेगा। और जो मैंने बताया कि हल्दी, नमक और तेल से हलकवा करने की वजह से जो लाभ हैं, उनके अलावा सबसे बड़ा लाभ ये कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमारी रक्षा करता है। तो कोरोना को धन्यवाद कि उसकी वजह से हम अपने पुराने नुस्खों को अब याद कर रहे हैं और उसको दोबारा से ज़िंदा करके अपने समाज को, अपने देश को उससे स्वस्थ करने की राह पर चल पड़े हैं। प्रयोग करके देखिए। 2015 से अब पूरी दुनिया योग कर रही है, पहले भी था, अपने अपने जैसे प्रयास अलग अलग समय पर लोगों ने किए, अनेक भारतीय योगियों ने विदेशों में जा कर के योग का प्रचार किया, अपने देश में भी किया, लेकिन 2015 से प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा शुरू कर दिया। लेकिन जो योग दुनिया भर में हो रहा है, वो अभी तक शारीरिक फिटनेस पर ही फोकस करके या फिर रोगों का इलाज करके हो रहा है। योग के इस दौड़ में योग का जो एकांगी प्रयोग है, उसने कहीं योग को कमज़ोर किया है और आम जन तक योग का पूरा फ़ायदा नहीं पहुंच पा रहा।
मुसीबत के दौर में हमारी शक्ति काम आती है, और योग की जो शक्ति है वो उसके दर्शन में है, फिलॉसफी में है, यम और नियम में है, ध्यान में है। वहाँ तक हमें ज़रूर जाना चाहिए। आज जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो है योग का व्यवहारिक पक्ष। मैं देख रहा हूँ कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप में अमेरिका जैसे मजबूत देश में भी लोग सामान समेट रहे हैं कि पता नहीं कौन सी मुसीबत आगे बढ़ कर के आने वाली है। वहाँ तो हथियार तक लोग ले लेकर के घरों में रख रहे हैं, असलाह रख रहे हैं कि शायद लूट मार मचेगी। बीमारी का इतना भयंकर रूप, अरे मृत्यु तो जब रोग नहीं फैलते तब भी होती है, तो ऐसी कौन सी चिंता की बात है। बल्कि ऐसे में तो हमारा मोह छूटना चाहिए और सहयोग का भाव बढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ भी ऐसे संदेश चल रहे हैं कि कोरोना वायरस फैल रहा है, अपने घरों में सामान इकट्ठा कर करके रख लीजिए। हर तरह के सामान की लिस्ट बन रही हैं, सामान इकट्ठा करने का दौर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने तो ये कहा है कि निश्चिंत रहें, कोई दिक्कत हमारे यहाँ आने वाली नहीं है और हर चीज़ की पूर्ति बराबर बनी रहेगी। लेकिन इस तरह का जो एक दौड़ है संग्रह की, इकट्ठा करने की, आप जानते हैं कि इससे इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती है देश की। डिमांड एंड सप्लाई का जो सिस्टम है वो बिगड़ जाता है और आम यूज़ इस्तेमाल की चीज़ें बहुत महंगे दामों पर आने लगती हैं। योग का जो अपरिग्रह वाला सिद्धांत है उसकी परीक्षा इस समय में ही है। मैंने कहा ना कि धैर्य की, प्रेम की, ज्ञान की परीक्षा विषम परिस्थिति में होती है, तो इस समय परिस्थिति आई है कि हम ये देखें कि हम इस समय बटोरें या बांटें। ऐसे समय में हमें बांटने की तरफ ध्यान देना चाहिए, संग्रह की तरफ नहीं, जिससे कि किसी को कोई अभाव ना हो, जिससे अभाव में लोग जान ना दे बैठें अपनी। इसलिए अपरिग्रह योग का जो सिद्धांत है उसका पालन करें, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा सामान इकट्ठा ना करें, और बल्कि ऐसे समय तो अगर मैं समृद्ध हूँ तो ज़रूरतमंद को मैं मदद करूँ, ये बहुत बड़ा अवसर हमारे सामने आने वाला है। सहयोग से और विवेक से संकट का हर दौर पार पा जाते हैं आप। और फिर अगर पता भी है कि मृत्यु होने वाली है मान लो, तो फिर इकट्ठा करने का फ़ायदा क्या है, तो भी छोड़ने में फ़ायदा है, जिससे मरण भी शांति से हो, चैन से हो। अपरिग्रह का पालन करें, उससे दुनिया में भी हम सुख से रहेंगे और दुनिया से जाने की जब बारी आएगी तो उसमें भी हम शांत और निश्चिंत होकर के अपने शरीर छोड़ सकेंगे। ये विषमताएं हमारी परीक्षा की घड़ी होती हैं। आइए हम सब लोग परीक्षा में खरे उतरें, और कोई ऐसी आपदा नहीं है जिसमें हम घबरा करके ऐसे ऐसे कर्म करने लगें कि जिससे अशांति फैले या एक दूसरे से विश्वास दूर हो, उस चीज़ से बचें।
कोरोना वायरस जिसकी अभी कोई वैक्सीन विकसित नहीं की जा सकी है और उसकी कोई वैक्सीन ना होने की वजह से हज़ारों लोग चीन में मारे जा चुके हैं, अमेरिका में बहुत लोग मारे गए, इटली और फ्रांस में बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है, उसने हमारे देश पर भी दस्तक दी है। हमारे पास आयुर्वेद है, हमारे पास परंपरा में बुज़ुर्गों के अनुभव हैं, हमारे पास ऋषियों द्वारा किए गए प्रयोग भी हैं जो आज हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में सुरक्षित हैं। लेकिन एक समय तक उनका बहुत लंबा प्रयोग हुआ, लेकिन तत्काल स्वास्थ्य पाने की चाह में हम जो मॉडर्न मेडिसिन के ऊपर आकर के टिक गए तो उससे पुरानी परंपराओं की जो औषधि हैं वो मरी हैं। भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत उन सारे सिस्टम्स को दोबारा से जीवित करने का और सुलभ उपाय सबको देने का साधन किया है। जो कोरोना वायरस है इसके भी जो लक्षण हैं वो नज़ले के रूप में, जुकाम के रूप में, नाक बहने के रूप में, खांसी के रूप में, हल्के बुखार के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत घातक है तो इसलिए उसका भय ज़्यादा व्याप्त हो गया है। ऐसे में विटामिन सी की महत्ता आज हमारे डॉक्टर्स भी बताते हैं और उसके लिए विटामिन सी की अलग से जो औषधियाँ तैयार हैं वो दी जाती हैं। हमारे पास प्रकृति में इसका सबसे सुंदर जो साधन है और सबसे कारगर साधन वो नींबू है। इस वायरस के चुनौती में ये बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है यदि आप इसको क्षार बना करके प्रयोग करें, यानी नींबू ऐसे नहीं कि चम्मच में लिया और उसको पी लिया, नींबू के 2-3 पीस कर लीजिए, एक गिलास गर्म पानी में नींबू के पीस को डाल दीजिएगा और उसको थोड़ी देर रखा रहने दें, फिर जब वो पीने लायक हो तो उस नींबू को उसमें निचोड़ करके थोड़ा सा काला नमक मिला करके इसका आप सेवन करें। गर्म पानी, नींबू वाला क्षारीय पानी, दिन में 2-3 बार इसका प्रयोग करिएगा, आप देखेंगे कि ये फ्लू के वायरस की तरह से ही ये वायरस भी आपको छू नहीं पाएगा और आप स्वस्थ रहेंगे। छोटी छोटी बातें हैं, आप ही की बातें हैं, हमारी रोज़मर्रा की बातें हैं, लेकिन क्योंकि ऐसी भागदौड़ की ज़िंदगी हो गई है और ऐसा क्षणिक इलाज हम लोग ले लेना चाहते हैं कि जो हमारे परंपरागत बहुत अच्छे इलाज हैं और जो ज़्यादा सुरक्षित भी हैं तो उनका प्रयोग करना हमने बंद कर दिया है। धन्यवाद इस कोरोना वायरस का कि यह हमारे पुराने नुस्खों को याद दिला रहा है, और क्योंकि नई दवाई अभी सामने नहीं आई है इसके लिए ख़ास तौर से, इसलिए हम पुराने तरीकों से अपने आप को सुरक्षित करने की तरफ चल पड़े हैं। वायरस से लड़ने की, बैक्टीरिया से लड़ने की, इम्यूनिटी डेवलप करने की, अपने आप को सुरक्षित रखने की, हीलिंग शरीर के अंदर करने की सामर्थ्य है हल्दी में। हल्दी भारत की एक ऐसी देन है दुनिया को कि आज दुनिया के भर के देश भारत से इसको लेना चाहते हैं, यहाँ तक कि पेटेंटीकरण इसका हो रहा है। हमारे जो परंपरागत अखाड़े रहे हैं जिसमें व्यायाम किया करते थे हम, तो वहाँ की मिट्टी में हल्दी, सरसों का तेल ये विशेष रूप से डाले जाते थे, कई कनस्तर हल्दी डालते थे, सरसों का तेल डालते थे, और वो मिट्टी जो है वो शरीर को बलवान बनाने वाली और किसी भी तरह की चोट को ठीक कर देने वाली हुआ करती थी। कहते थे अगर ज़ख्म भी हो जाए, हालांकि वैसे मिट्टी कहते हैं आज तो कि अगर मिट्टी लग गई तो साथ ही हमको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा सुरक्षा के लिए, लेकिन उस समय तक अखाड़े की मिट्टी लगा लीजिए, ठीक हो जाओगे। आज हम उसको भुला बैठे हैं क्योंकि हमें तत्काल ट्यूब चाहिए, पिल्स चाहिए, उनसे ठीक होना चाहते हैं। आज कोरोना वायरस के इस दौर में हल्दी का प्रयोग सब लोग करें। एक और आश्चर्य की बात है कि जो शक्तिवर्धक आहार हमारे थे कि दूध, घी, मक्खन, ये चीज़ें सेवन करें हमारे बच्चे, उनको हमने पतला बनाने की कोशिश में कि नहीं मुझे मोटा नहीं होना, अरे मोटा नहीं होना, बलिष्ठ तो होना है, लेकिन फिटनेस फीवर
जबकि असली फिटनेस हम लोगों के पास है जिन्होंने दूध घी मक्खन खाए हैं। अब नई पीढ़ी जो है उससे दूर हो गई, उनको जो फास्ट फूड है वो लेने को मिल रहा है और परिणाम ये हो रहा है कि लाइफ ही फास्ट बीत जाती है उनकी, ओबेसिटी उन्हें जल्दी घेर लेती है, तरह तरह की जो तकलीफें हैं वो उनको जल्दी पकड़ लेती हैं, इम्यूनिटी लेवल उनके अंदर रहा ही नहीं, आप उन्हें मिट्टी में खेलने नहीं देना चाहते। हल्दी का सहारा लीजिए और उनको सुरक्षित छोड़ दीजिएगा। दूध प्रतिदिन बच्चों को दीजिएगा, आप भी लीजिएगा, और वो हल्दी वाला दूध होना चाहिए। रात के दूध में आधा चम्मच हल्दी मिला करके आप पिए, गुड़ के साथ पिए, शक्कर के साथ पिए, तो आप देखेंगे कि जितने भी हमारे खनिज हैं उनकी पूर्ति हमारे शरीर में होगी और इन्फेक्शंस से हम बचे रहेंगे। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें इस तरह के वायरस नहीं घेरते हैं, और बल्कि उसको भी अलग अलग मौसम में अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। अभी सर्दी बीती है तो हम हल्दी का दूध अजवाइन और घी के छौंक के साथ पिया जाता है, जिससे कि नज़ला, जुकाम, खांसी, बलगम ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। आने दीजिए वायरस को, दो हाथ करते हैं आयुर्वेदिक सूत्रों के साथ में और अपनी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ा करके। हल्दी और दूध का सेवन पूरे परिवार को सुरक्षित करेगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनंच सामान्यमेतत् पशु विनराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेषः धर्मेण हीन पशु भी समान। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सामान्य चीज़ें हैं, कॉमन क्वालिटीज़ हैं, मनुष्य में भी हैं, पशुओं में भी हैं, लेकिन मनुष्य के साथ एक ख़ास चीज़ है जिसको कहते हैं धर्म। धर्मो ही एको अधिको विशेषः, वो एक सरप्लस क्वालिटी मनुष्य के साथ में है और वो विशेष क्वालिटी भी है। धर्मेण हीन पशु भी समाना, धर्म से अगर अलग कर दिया जाए, धर्म को मनुष्य के जीवन से हटा दिया जाए, तो मनुष्य में और पशु में कोई भेद नहीं रह जाता है। तो धर्म बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन धर्म धारित्यर्थे ही धर्म, यानी जो भी गुण धारण करने योग्य है और श्रेयस्कर की प्राप्ति कराता है तो वही धर्म है, लक्षण है उसके, उन लक्षणों का हम पालन करें तो फिर हम धार्मिक कहलाते हैं। धर्म किसी समूह का, किसी कबीले का, किसी बहुत बड़े संगठन का सदस्य बन जाना नहीं होता है। धर्म नितांत व्यक्तिगत विषय है और जो धर्मनिष्ठ व्यक्ति है वो सबसे अधिक विश्वसनीय होता है। लेकिन एक ज़माना मुझे ध्यान आता है, हम छोटे छोटे थे तो जहाँ कहीं भी धार्मिक व्यक्ति कोई होते थे, कोई संत, कोई मौलवी, कोई भक्त, कोई विद्वान, यानी धर्मनिष्ठ व्यक्ति जहाँ पर संबोधन करते हों, कार्य करते हों, अनुष्ठान करते हों, उधर से समाज को बल मिलता था। प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था, सब निश्चिंत थे कि वहाँ पर फलां धार्मिक व्यक्ति रहता है इसलिए उधर कोई समस्या पैदा नहीं होगी। लेकिन आज हमने धर्म को इस कगार पर ला करके खड़ा कर दिया है कि जहाँ भी कोई धार्मिक समागम होता है वहाँ पर पहले पूरा प्रशासन के लिए एक समस्या खड़ी हो जाती है, वहाँ पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ती है कि वहाँ पर पुलिस फोर्स लगाइए क्योंकि वहाँ धार्मिक आयोजन हो रहा है। क्या ये धर्म है? धर्म सहिष्णुता सिखाता है, धर्म दया सिखाता है, धर्म सहयोग सिखाता है, धर्म करुणा सिखाता है, धर्म जगना सिखाता है। इसलिए हमें धार्मिक होना बहुत ज़रूरी है। लोग धार्मिक संगठन कहते हैं, संगठन तो धर्म में होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि धर्म तो संगठन से भी मुक्ति देता है। धर्म तो ये जो दैहिक संगठन हमारा है, शरीर का संगठन, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सिंथेसाइज हैं हमारी सारी इंद्रियें, मन, बुद्धि, अहंकार, इसका भी विच्छेदन कर देगा और केवल सत्य मात्र ही सर्वाइव करेगा। तो धर्म उस स्तर तक ले जाने का एक बहुत प्यारा सा रास्ता है। धार्मिक उन्माद अज्ञानता का उन्माद है, वो धर्म नहीं है।
इस तरफ से समाज को जागृत होना होगा। भारत की शक्ति यहाँ का धर्म रहा है, लेकिन भारत की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो धार्मिक अज्ञानता रही है, यानी धर्म के छद्म रूप लेकर के उसके अंदर अज्ञानता को पनपने का जो अवसर दिया गया है, जहाँ पर प्रश्न नहीं किए जाते, जहाँ पर कोई जिज्ञासा ही नहीं होती, केवल अंधानुकरण होता है, सम्मोहित व्यक्ति को कर दिया जाता है, तो वहाँ धर्म घातक हो जाता है, धर्म बदनाम होता है। इसलिए धर्म का पहला आशीर्वाद यही है, पहला प्रसाद यही है कि हम जागृत हों, प्रबुद्ध हों, चिंतनशील हों, मननशील हों, सहयोगी हों। आइए धर्मनिष्ठ बने, अपना जीवन में एक गुणवत्ता लाएं और जहाँ कहीं भी हम खड़े हों वहाँ से हर तरफ आनंद की, विश्वास की, प्रेम की, शांति की एक बयार बहे, यानी कुएं में ही भांग पड़ जाए, हर तरफ आनंद हो, यही धर्म है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।